लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने के बाद जमाखोरी कालाबाजारी के बीच में अब अधिक दाम वसूलना भी दुकानदारों ने शुरू कर दिया है। हमीरपुर जिला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मोबाइल विक्रेता ने दुकान में पहुंचे दो ग्राहकों से 8,000 की कीमत के मोबाइल के 9,000 मांगे। काफी देर तक दोनों में बहस होती रही। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और कुछ लोग अब अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, जिस वजह से मोबाइल की भी अधिक डिमांड है। लेकिन मोबाइल विक्रेता इसका फायदा उठाकर अधिक दाम वसूलने में जुट गए हैं। इसके पीछे मोबाइल विक्रेताओं का तर्क है कि उन्हें कंपनी की तरफ से मोबाइल की सप्लाई नहीं आ रही है, कालाबाजारी के माध्यम से ही सप्लाई मिल रही है, जिसकी वजह से वे महंगे दामों पर मोबाइल बेचने को मजबूर हैं। वहीं सरकार का दावा है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक दाम वसूलने को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही है उनका निपटारा किया जा रहा है। हमीरपुर जिला मुख्यालय पर जब ये मामला सामने आया तो ग्राहकों से भी बातचीत की गई और मोबाइल विक्रेता से भी इसका कारण पूछा गया। ग्राहकों का कहना है कि वे मोबाइल खरीदने के लिए पहुंचे थे 8,000 एमआरपी का ये मोबाइल 9,000 में उन्हें बेचने की कोशिश की गई। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी दुकानदार नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा कि इन दिनों बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चली है, जिसके लिए उन्हें मोबाइल चाहिए था। वे प्रशासन के पास इसकी शिकायत करेंगे। शॉप पे हम गए थे, हमें एक मोबाइल चाहिए था। मैंने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम पूछा, रियलमी C3। तो उन्होंने बोला कि ये मोबाइल हमारे पास है। तो मैंने पूछा भी कितने का पड़ेगा, उन्होंने बोला कि 9,000 का पड़ेगा। जब मैंने उनसे वो उसका डब्बा मांगा तो उस पर लिखा था, तो उसके 8,000 रेट प्रिंटेड था। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये इस पर तो प्रिंटेड 8,000 है, बट आप इसके लिए ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, 9,000 का दे रहे हैं, तो क्या आप ये बिल हमें देंगे? बोले नहीं, हम बिल नहीं दे सकते हैं, हम आपको बिल 8,000 का देंगे, आपको 1,000 आपको हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हमें पीछे से ही महंगा आ रहा है। मैं क्या अभी आप हिसाब से हमें ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि यहाँ तो कालाबाजारी शुरू हो। एक Realme 3 फ़ोन पूछा, उसका रेट इन्होंने 9,000 रुपया जी बताया। जब हमने उसमें देखा उसका प्रिंट रेट जो था 8,000 रुपया था। जब हमने कहा कि इसको तो 8,000 रुपया रेट है, तो आपने ऐसा कहा इसका रेट 9,000 क्यों बता रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हमें पीछे से ही महंगा पड़ा है और हम इतना ही देंगे। मैंने कहा तो इसका बिल दो हमें, तो कहने लगे बिल हम नहीं देंगे, बिल हम 8,000 का ही देंगे आपको, बिल हम आपको इसका 8,000 का ही देंगे, बाकी आप जो करना वो कर लो। कहते नहीं, मोबाइल मेरे पास है, पर आजकल जैसे बच्चों की समस्या है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, तो उसके लिए मोबाइल की अवस्था पड़ रही है, तो उसीलिए मोबाइल चाहिए था। पर ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसे ही हेरा फेरी चला रखी है और जो उपभोक्ताओं को तंग कर रहे हैं। वही मोबाइल विक्रेता का कहना है कि उन्हें अपनी दुकान के खर्चे निकालना मुश्किल हो गया है, दुकान का किराया देना है, कर्मचारियों का वेतन भी देना है, जिस वजह से उन्हें अधिक दाम वसूलने पड़ रहे हैं। कंपनी की तरफ से कोई सप्लाई नहीं मिल रही है और उन्हें ब्लैक में ही मोबाइल की सप्लाई हो रही है। वो तो सारे बिके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन के लिए वो सारे मॉडल बिके, लेकिन जैसे ही हमने अब शॉप खोलनी थी तो हमें सामान नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास बिलिंग नहीं हो रही है, और जो लेटेस्ट मॉडल है वो हमें महंगे मिल रहे हैं, जैसे ब्लैक में मिल रहे हैं, तो ऑलरेडी सारी मार्केट में ब्लैक हो रहा है। मैक्सिमम थे 20-25 मॉडल। अच्छा। तो अब जैसे नेक्स्ट बिलिंग के लिए बोल रहे हैं, तो अभी कंपनी इनकार कर रही है कि अभी तक कोई 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही तो हमने लास्ट टाइम दे दी थी, अब 20 महीने की देनी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा, हमारा कोई किराया माफ नहीं हुआ है। ठीक है सर, आपको पता है कि 500 की बोतल 1,000 में बिकी, वो कालाबाजारी थी ना सर। वो अब मैं 8,000 का मोबाइल अगर 8,500 रुपए में दे रहा हूँ, मैं तो 500 रुपए 8,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो 600 रुपए 400 रुपए कमा रहे थे ना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।